इंसान हमेशा से तारों को देखकर हैरान होता आया है। हम बड़े बड़े सवाल पूछते हैं, हम कहां से आए, क्या हम अकेले हैं। इन सवालों के जवाब धरती से मिलना मुश्किल है, हमें करीब से देखने की जरूरत है। यही स्पेस प्रोब्स काम आते हैं। स्पेस प्रोब्स हमारे रोबोटिक एक्सप्लोरर्स की तरह है। हम उन्हें प्लैनेट्स, मून्स और उससे भी आगे भेजते हैं। ये बहुत दूर तक जाते हैं कैमरा, सेंसर्स और टूल्स लेकर। ये हमारे सोलर सिस्टम के बारे में बहुत अच्छी जानकारी भेजते हैं। ये प्रोब्स आसमान में हमारी आंखों जैसे हैं। ये हमें दूर की दुनिया को करीब से देखने में मदद करते हैं। हम उनके एटमॉस्फेयर, सरफेस और अंदर क्या है इसके बारे में सीखते हैं। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि प्लैनेट्स कैसे बनते हैं और बदलते हैं। स्पेस प्रोब्स ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने के लिए बहुत जरूरी है। हर मिशन हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में उन बड़े सवालों के जवाब के करीब लाता है। सारे स्पेस प्रोब्स एक जैसे नहीं होते, उन्हें अलग अलग कामों और जगहों के लिए डिजाइन किया जाता है। आइए अलग अलग तरह के प्रोब्स के बारे में जानें। सबसे पहले हमारे पास ऑर्बिटर्स हैं। ये प्रोब्स आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जैसे होते हैं। ये प्लैनेट्स और मून्स के चारों ओर घूमते हैं और लंबे समय तक उनका अध्ययन करते हैं। ये सरफेस का मैप बना सकते हैं, एटमॉस्फेयर का विश्लेषण कर सकते हैं और जमीन के नीचे भी देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास फ्लाईबाय प्रोब्स हैं। ये प्रोब्स तेज मिशन पर होते हैं। ये प्लैनेट्स और मून्स के पास से तेजी से गुजरते हैं, जल्दी से तस्वीरें और माप लेते हैं। ये हमें इन खगोलीय पिंडों की झलक दिखाते हैं। आखिर में हमारे पास लैंडर्स होते हैं। ये प्रोब्स करीब से देखने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये प्लैनेट्स और मून्स की सतह पर उतरते हैं। लैंडर्स मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण कर सकते हैं, चट्टानों का अध्ययन कर सकते हैं और जीवन के संकेतों की खोज कर सकते हैं। हर तरह का स्पेस प्रोब हमारे सोलर सिस्टम की खोज में एक जरूरी भूमिका निभाता है। ये मिलकर हमें इन दूर की दुनियाओं की पूरी तस्वीर देते हैं। कई दशकों में कई स्पेस प्रोब्स ने इतिहास रचा है। इन्होंने कमाल की तस्वीरें और जबरदस्त खोजें भेजी हैं। आइए इनमें से कुछ कॉस्मिक पायोनियर्स से मिले। सबसे पहले हमारे पास वॉयेजर 1 और 2 है। ये जुड़वां प्रोब्स 1970 में लॉन्च हुए थे। इन्होंने बाहरी ग्रहों की यात्रा की, हमें जुपिटर का ग्रेट रेड स्पॉट, सैटर्न के छल्ले और बर्फीले यूरेनस और नेपच्यून दिखाए। वॉयेजर 1 अब धरती से सबसे दूर इंसान द्वारा बनाई गई वस्तु है जो इंटरस्टेलर स्पेस में जा रही है। इसके बाद हमारे पास कैसिनी है। यह प्रोब 13 साल तक सैटर्न की परिक्रमा करता रहा। इसने सैटर्न के छल्लों के रहस्यों का खुलासा किया, नए चांद खोजे और सैटर्न के सबसे बड़े चांद टाइटन पर एक प्रोब भी उतारा। कैसिनी ने हमें अद्भुत और जटिल दुनिया दिखाई। आखिर में हमारे पास पर्सिवरेंस है। यह रोवर 2021 में मंगल ग्रह पर उतरा। इसका मिशन प्राचीन जीवन के संकेतों की खोज करना है। पर्सिवरेंस मंगल की चट्टानों का अध्ययन करने, नमूने इकट्ठा करने और भविष्य के मानव अन्वेषण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए उन्नत उपकरणों से लैस है। ये उन अद्भुत स्पेस प्रोब्स के कुछ उदाहरण हैं जिन्होंने सौर मंडल के बारे में हमारी समझ को बढ़ाया है। सेक्शन 4, भारत का कॉस्मोस का सफर। भारत स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी ISRO ने बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। इसने अपने खुद के स्पेस प्रोब्स लॉन्च किए हैं, अपनी तकनीकी क्षमता दिखाई है। चंद्रयान 1, भारत का पहला चंद्र मिशन, ने चांद पर पानी के अणुओं के सबूत खोजे। यह एक जबरदस्त खोज थी जिससे पता चला कि हमारे सबसे करीबी खगोलीय पड़ोसी के पास हमारे सोच से ज्यादा रहस्य हो सकते हैं। मंगलयान, भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन, एक और खास उपलब्धि थी। इसने भारत को मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश बना दिया। इस मिशन ने मंगल के वायुमंडल और सतह का अध्ययन किया और बहुमूल्य डेटा प्रदान किया। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम एक प्रेरणा है। यह दिखाता है कि समर्पण और नवाचार से सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं। सेक्शन 5, एक्सप्लोरेशन का भविष्य आने वाले स्पेस प्रोब मिशन। स्पेस एक्सप्लोरेशन का भविष्य उज्जवल है। आने वाले सालों के लिए कई रोमांचक मिशन प्लान किए गए हैं। ये मिशन हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे। बेपी कोलंबो, यूरोप और जापान का एक संयुक्त मिशन मरकरी के रास्ते पर है। यह इस रहस्यमय ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र, सतह और आंतरिक भाग का अध्ययन करेगा।
जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो 21 में लॉन्च हुआ था, ब्रह्मांड को इंफ्रारेड लाइट में देखता है। यह हमें पहले से कहीं ज्यादा दूर अंतरिक्ष और समय में देखने की अनुमति देगा। ये मिशन और कई अन्य नई खोजों और ब्रह्मांड में हमारे स्थान की गहरी समझ का वादा करते हैं। ब्रह्मांड का पता लगाने की खोज एक अंतहीन यात्रा है, और स्पेस प्रोब्स आगे का रास्ता दिखाते रहेंगे।